फेसबुक जाल में देख सकते हैं। हमको यहाँ पर क्या जड़ी मिल गया जी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे अपने काम में। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सुबह के 10 बजे से, जो कि मैं आज चल रहा हूँ सुबह 10 बजे बुग्याली की ओर। मैंने चलना है अभी 20 किलोमीटर, अभी 10 बज रहा है, अगर शाम को पहुँचूँगा मैं सीधे और दिखाएंगे आप लोगों को आगे की जर्नी, और आप लोगों को शेयर जरूर करूँगा मैं जहाँ जहाँ मैं पहुँचूँगा। ये वाले पूरे सुराही के पेड़ हैं यहाँ पर, जितने भी पूरे सुराही के पेड़ हैं। अभी निकल गया हूँ मैं घर से, तो आपको बताते हैं। ये है यहाँ पर जो ये वाला है, ये है गढ़वाल मंडल। यहाँ पर रात्रि लोग अगर कोई आएंगे टूरिस्ट विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर लाटू देवता मंदिर वाण विकासखंड देवाल, तो ये हमारा एक गांव पड़ता है जो कि लाटू देवता मंदिर वान हमारा गांव है। लाटू देवता मंदिर है, विकासखंड देवाल है, और जिला चमोली है और राज्य उत्तराखंड है। पेड़ जहाँ जहाँ ठंडे इलाके होंगे वहीं सुराही के पेड़ दिखाई देंगे आप लोगों को। जो भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनका परमिट यहीं से बनता है। पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है और ऊपर लाटू मंदिर का गेट है। आपको बताते हैं आगे जैसे जैसे पहुँचूँगा, आगे की जर्नी आपको ज़रूर बताऊँगा जहाँ जहाँ पहुँचूँगा आगे। मैं तो अकेला हूँ, अकेले चल रहा हूँ मैं बुग्याल की ओर। आज मैंने 20 किलोमीटर चलना है और किराजड़ी का सीज़न समाप्त होने वाला है, बरसात लगी गया है बरसात, इसमें किराजड़ी डैमेज हो जाती है। और हम अपना सामान लेने जा रहे हैं, 2-4 दिन रुकेंगे वहाँ पर, किराजड़ी देखेंगे और फिर निकलेंगे घर की ओर। पहुँच गया हूँ रनका दहार पे फाइनली। बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है और यहाँ पर बादल भी देख सकते हैं आप लोग। रास्ता जो है इस प्रकार से है, यही ट्रेल हमको पूरा बुग्यालू तक मिलेगा। पहुँच गए के पास है और आपको यहाँ के खूब सुंदर से नज़ारे बता दिए, और यहाँ से आगे आपको बताऊंगा कि कैसे नज़ारे हैं। हम फाइनली पहुँच गए नीलगंगा के पास और बताते हैं आपको नीलगंगा, ये है नीलगंगा। अंदर चाय बन रही है हमारी। भैया जी क्या बना रहे? अल्लाह चला रहा हूँ भैया जी। और क्या बना रहे? कुछ नहीं बना रहा, पानी गर्म कर रहा हूँ। पानी गर्म, चाय भी बन रही? चाय तो बन जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी लंच भी फाइनली कर लिया हम लोगों ने, तो आपको बताते हैं आगे नज़ारे। अभी देख सकते हैं आप लोग, बहुत भयंकर वाली बारिश लग रही है, बहुत भयंकर वाली। पूरा इस जगह का नाम है गर्ली पातल। जी आप निकल रहे घर की ओर? यस सर। निकल रहे घर की ओर? यस सर। 300 बकरियां हैं? दो तीन। अरे हरि सिंह मिश्र जी। यस सर। इधर देखिए। तो कैसा लग रहा? कैसा लग रहा आपको? कैसा लग रहा आप लोग को? गांडू। तो आप कहाँ जा रहे? घर वापसी। घर वापसी, बाय फिर भाई। ठीक है, तो ये निकल रहे घर की ओर, तो हम निकलेंगे बुग्यालू की ओर जहाँ मेरा किराजोड़ी का डेरा है, तो वहाँ मैं शाम तक पहुँचूंगा। तो अभी टाइम हो रहा, टाइम कितना हो रहा? 3 बज रहा है अभी, 3:04। और जो ये लोकेशन है ये है गिरली पातल, और यहाँ से हम अभी निकल रहा हूँ मैं पातल नचुने के लिए, और भाई जी जा रहे बैनी तक, और घना जंगल है पूरा, और ये रास्ता है पूरा। ग्याल लग गई यहाँ से ऊपर, और हम आए थे अभी यहाँ नीचे से। यहाँ का नाम है डोलियाधार। यहाँ से आगे पूरे बुग्याल शुरू हो गए, यहाँ से आपको कोई भी वृक्ष नहीं मिलेगा, पूरा बुग्याल ही बुग्याल मिलेगा। कम से कम
बहुत ज़्यादा, 50 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई पूरा बुग्याल मिलेगा यहाँ से आगे। फिर आपको बताते हैं आगे। हाँ भाई जी उधर नेट चला रहे, यहीं पे नेटवर्क आता है। बैनी बुग्याल इस बुग्याल के पीछे में है, पूरा बैनी बुग्याल है, पूरे मैदानी मैदान है, वहाँ पर रास्ता है वहाँ के लिए। इस बुग्याल में देख सकते हैं आप बकरियाँ, बहुत ज़्यादा बकरियाँ हैं वहाँ से नीचे तक, और उस साइड में भी हैं वो नीचे, और इधर भी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग बकरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बकरियाँ हैं यहाँ पर। ये यहाँ की जो एक घास है इसको खा के तंदुरुस्त रहते हैं और हेल्थी फुल रहते हैं, तभी ये यहाँ बुग्यालों में आ रखे हैं ये चारावा है। और इनका रहने का एक जगह पर होगा फिक्स, और उधर में पूरा बुग्याल है और इधर भी पूरा पैनी बुग्याल है। और यहाँ पर मंदिर भी है, वो है लाटू देवता का मंदिर, और इधर भगवती माता का मंदिर, और यहाँ उसका चौक है, और यहाँ पर सन सुन घंटियाँ घुंटियाँ हैं और झंडे भी लगे हैं, और ये पूरा बैनी बुग्याल है। और यहाँ पर 400 मीटर का एक कुंड भी है, तो पर्यटक स्थलों में से एक इस बुग्याल का नाम भी है बैनी बुग्याल। और एक उस साइड में है तो उस बुग्याल का नाम है आली बुग्याल। ऐसा नज़ारा दिख रहा हमको यहाँ पर, और आप लोगों को भी दिखा रहे, बादल पूरे यहाँ पर नीचे में बादल लगे हैं और ऊपर पहाड़ी पहाड़, और यहाँ पर पूरा बुग्याल इधर में देख सकते हैं आप लोग। अभी 5 बज रहा है, तो इतने हाइट में अभी 5 बज रहा है, अभी सूर्य सनसेट का होना भी इतना नीचे है। तो इधर में मैंने आपको बता दिया था नन्ना घूंघटी, और मैं चलूँगा अभी इस वाले ट्रेल से आगे, इस वाले ट्रेल से आगे सीधा यहाँ से उधर निकलूँगा दूसरी साइड में, फिर बताते हैं आप लोगों को। यहाँ का नाम है घोड़ा लक्ष्मिया, ये टॉप की जगह है, और यहाँ से आया मैं अभी, इस रास्ते से आया मैं, और ये है टॉप की जगह, और यहाँ से जो मैंने आगे निकलना है, मैंने आगे यहाँ से निकलना है आगे। तो यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही यहाँ पर। और सामने बताते हैं आपको, आप लोगों को सामने बताते हैं कि नन्ना घुंघटी, ये पिक जो दिखाई दे रही है हमको आप लोगों को, ये नन्दा घुंघटी है, सुनो वाली पिक नन्दा घुंघटी है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा व्यू, और अभी काफ़ी हो गया, जैसे सुबह चला था मैं मॉर्निंग में, तो सुबह तो मौसम ऐसा लग रहा था पूरी दिन भर बारिश होगी, जैसे जैसे मैं ऊपर बुग्यालों की ओर पहुँचने लगा तो यहाँ तो मौसम बहुत साफ होते जा रहा है। आपको ये वाली पिक दिख रही है माउंट त्रिशूल है, और इधर वाला पिक जो दिख रहा है वो नन्दा घुंघटी है। तो पाता नचने के लिए यहाँ से निकलते हैं, निकलेंगे, आपको पाता नचना भी बताएंगे आगे, जैसे जैसे पहुँचेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। ये कीड़ा जड़ी है ये वाला, इसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी। तो ये ऊपर वाला फंगस है, और इसको निकाल लिया भाई जी ने, और आपको बताते हैं, ये फंगस है, ये ऊपर वाला फंगस है ये वाला, और नीचे से ये कीड़ा है, ये वाला पूरा कीड़ा है नीचे, इसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी। और ये होता है 3500 मीटर से ऊंचाई के पहाड़ों में होता है ये, ऊपर बुग्यालों में हाइट में, और ऐसे ढूंढनी पड़ती है कीड़ा जड़ी को, जैसे ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। चलो आगे बताते हैं आप लोगों को। भाई जी, हेलो भाई, आ जाओ लंच करने। हेलो, आइए बताते हैं आपको भाई, वहाँ नीचे देखो कैसा और का है भयंकर, वो भाई भी कीड़ा जड़ी ढूंढ रहा है उधर, एक भाई जी नीचे निकल गए। गुड़ के साथ रोटियों का खाना का कुछ मजा ही कुछ और ही है, क्यों भाई जी? इधर भी हैं और उधर भी हैं, साथी लोग हैं मेरे, और हमार के इतने दूर, और अभी तो बहुत तेज़ बारिश लग रही है, बहुत तेज़ मौसम, मेरे को लग रहा पूरा गड़बड़ी है। हमको भी कीड़ा जड़ी मिले, लेकिन हमको भी डैमेज मिले कुछ, तो हमको भी लग रहा मतलब कमी है, सीजन अब सीजन निकल चुका है। क्या है यार नजारे यार, आ जाओ यार भाई।
हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।